दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपको गजनी मूवी की शूटिंग लोकेशन पर, तो आप स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं। चलो वीडियो दिखाता हूँ और स्क्रीनशॉट ये देखिए। आमिर खान बैठ के यहीं पर बातचीत करते हैं वो हीरो नीक साथ में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और आप देख रहे हैं ये गजनी मूवी की शूटिंग लोकेशन। यहाँ पर आमिर खान बैठ कर हीरो नीक बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते थे। वो यही लोकेशन है मरीन ड्राइव की। आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग मैच कर सकते हैं। ये पत्थर पड़े हैं, अभी वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो अंदर जाके आपको दिखाता। ये देखिए, यहाँ पर बैठ कर वो उनका प्यार की झार करता है आमिर खान पहली बार गजनी मूवी में, तो वो सीन यहीं पर शूट किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने जो बेंच लगाई होगी जब वो वहाँ पर उन्होंने मूवी की शूटिंग की थी, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। शॉट यहाँ से छूट की गए थे। आप जो लाल गोरा में जो गोल्ड मटुल दिख रहा है ना, इसको शॉट में मैच कर सकते हैं। यहाँ पे गुम्मट को यहीं पे आमिर खान खड़े होकर वो बातचीत करते हैं, तो वो शॉट यहीं से लिया गया था। ये मरीन ड्राइव, ये पूरा समुद्र का व्यू देख रहे हैं आप, और ये बिल्डिंग है, आप मैच करके देख सकते हैं। वो यहीं पर बातचीत करते हैं। और अब मैं लेके जाऊँ आपको दूसरी लोकेशन शूट पर। यहाँ पर आमिर खान बस से आते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी आप जो देख रहे हैं, वो यहीं से बस में आते हैं और वो बातचीत करते हैं। ये देखिए रात का नज़ारा है, ये वो बस है, इस बस में यहाँ से बिल्डिंग मैच कर सकते हैं आप। वो रात वाला शॉट भी यहीं से लिया था, सेंट्रल लाइब्रेरी का। और कितना सुंदर नज़ारा है सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने से। मैं रात में आया हूँ यहाँ पर शूट करने के लिए। यहाँ पर सब लोग आते हैं घूमने, फ़ोटो खिंचवाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लोकेशन है, यह जो भी पिक्चर आती हैं ज़्यादातर पुरानी फिल्मों में सेंट्रल लाइब्रेरी ज़रूर दिखाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं और स्क्रीन शॉट में मैच कर सकते हैं। देखिए बस आ रही है, आमिर खान इसमें बैठे रहते हैं, और ये सेंट्रल लाइब्रेरी, इसके सामने से वो बस निकलती है और वो बातचीत करते हैं। न्यू ईयर का कुछ रहता है, ये आप स्क्रीन शॉट में मैच करके देख सकते हैं। और एक शॉट कुछ यहाँ से लिया गया था, जब वो हीरोनी बस में उतरती है वो शॉट यहीं से लिया आता है। आप ये बिल्डिंग मैच करके देख सकते हैं। और कुछ शॉट गेट वे ऑफ इंडिया के लिए थे, तो वो भी मैं आपको मैच करा रहा हूँ। ये गेट वे ऑफ इंडिया, यहाँ आमिर खान हूँ, वो फॉरेन लोग रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो शॉट भी यहीं पर शूट किया गया था। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और मैं इस टाइम हूँ मुंबई में, और जो मेरे पीछे देख सकते हैं जो विवो कोबरा होटल है, ये वाली होटल आप देख सकते हैं, ये वाली होटल। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा मरीन ड्राइव है, तो आप मेरे साथ मुंबई घूमिए और वीडियो को पूरा देखना, और ये बात वीडियो अच्छा लगेगा। देखना मरीन ड्राइव खूबसूरत नज़ारे। अभी सुबह का टाइम है, तो सब लोग यहाँ वॉक करने आए हैं और एक्सरसाइज हो रही सब लोगों की। देखिए मेरे पीछे पूरा अरब सागर है, समुद्री समुद्र है यहाँ पर। मुझे धूप तेज है यार, यहाँ पर लाइट सही से नहीं आ रहा है, ये देखना। और जो होटल देखिए आप, कितनी ऊँची होटल है, ये मरीन ड्राइव पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये रहा पूरा मरीन ड्राइव, और यहीं पे अपना क्रिकेट मैच अगर आप देखते होंगे तो मैच का स्टेडियम भी यहीं पर बना हुआ है, सामने है वो, मैं आपको दिख जाएगा। यहाँ पे लाइट लगे, वो कैमरा में दिख रहा दूर है, तो वो मैं आप लोग। मुंबई, यहाँ पर ना जाने कितनी पिक्चरों की शूटिंग हुई है जो आपने देखी होगी यहाँ पर मरीन ड्राइव पे। भाई आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस इतना ही था। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये रहा अच्छा मुंबई।